राज्य प्रशासन द्वारा कोरोना नियंत्रण में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नागपुर शहर में निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए इलाज के लिए विभिन्न सुविधाएं हैं। नागपुर में वर्धमान नगर इलाके के श्री राधाकृष्ण अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मरीजों के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान में कोरोना मरीजों का इलाज और अन्य सुविधाओं के नाम पर कई अस्पतालों द्वारा मरीजों को लूटने का काम शुरू है। वहीं राधाकृष्ण अस्पताल ने सेवा भाव की मिसाल कायम की है। संस्था के उपाध्यक्ष हरीश अग्रवाल का कहना है कि मरीजों को निःशुल्क भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। अस्पताल के पास सिंधु भवन में मरीजों के रिश्तेदार और कर्मचारियों के लिए ठहरने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध की गई है। इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष गोपाल पोद्दार का कहना है कि कर्मचारियों के लिए रोजाना 2500 फूड पैकेट बनाए जाते हैं। कोरोना महामारी का ये संकट भले ही कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन इस वजह से मिला मानव सेवा का अवसर भूलना नहीं चाहिए। वर्तमान में अस्पताल में 2 ICU, 1 सेमी ICU, OT और कुल 150 बेड उपलब्ध है। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्रेशर मशीन मॉनिटर के साथ ICU बेड की सुविधा की गई है। अस्पताल में निःशुल्क खान पान व्यवस्था, साथ ही इम्यूनिटी फूड की व्यवस्था के साथ राशि व्यवस्था भी की गई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र घोबरागढ़ी के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़, नागपुर।